माध्यम से आपको समझाऊंगा, विस्तार से समझाऊंगा। भगवान राम की कहानी है, रामायण में लिखी हुई है। उससे पहले हम अपने घमंड में आ जाते हैं कि मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं तो रावण का भी नहीं चला, तो हमारा कहां से चलेगा भाइयों। कोई भी कार्य कर लीजिए, चाहे शुभ या अशुभ कार्य, दो आदमियों की तो जरूरत होती ही होती है। अकेला संपूर्ण इंसान तो कोई है ही नहीं, फिर भी मैं का घमंड जो है इंसान को खा जाता है। अगर भगवान ने हमारा साथ छोड़ दिया तो हम तो सूखे पत्ते की तरह बह जाएंगे और कहां चले जाएंगे ये पता भी नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, एक आप रुमाल लीजिए, ऊपर से नीचे गिरा दीजिए, दोबारा आप अपनी जेब में रख सकते हैं, लेकिन भगवान ने जब आपका साथ छोड़ दिया, समझ लो ये दुनिया ही आपने छोड़ दी। प्रभु से इतना प्रेम कीजिए कि वो आपके साथ हमेशा रहे। जिस तरह वृक्ष के साथ हरे पत्ते लगे होते हैं, टाइम आने पे टूट जाया करते हैं, उसी प्रकार से हमारा संबंध जो प्रभु से है वो एक पेड़ और पत्ते के समान है। जब पतझड़ का मौसम आएगा तभी वो पत्ते टूटेंगे, लेकिन जब प्रभु से हमारा संबंध नहीं होता तो वो पेड़ आंधी भी उड़ा के ले जाती है, पेड़ की डालियां टूट जाया करती है। तो आज की कथा भगवान श्री राम की प्रारंभ करते हैं। जब श्रीलंका पे भगवान राम युद्ध करने के लिए जा रहे थे तो बीच में समुद्र पड़ा, रास्ते में समुद्र पड़ा, समुद्र देव से मंथन किया गया कि आप रास्ता दे दीजिए। उन्होंने जैसे ही रास्ता दिया तो जीव जंतु परेशान हो गए, तो उन्होंने कहा सेतु बना लीजिए। अब भगवान की सेना, राम की सेना, प्रभु राम श्री राम की सेना जब पुल बनाने लगी, जिस पत्थर पे राम नाम लिखा हुआ था वो सारे पत्थर तैरते रहे। भगवान राम साइड में बैठे हुए थे तो भगवान को ख्याल आया कि दो चार पत्थर मैं भी रख दूं। भगवान ने जाके पत्थर उठाए, जैसे ही सागर में छोड़े और डूब गए। दूसरा पत्थर उठाया, वो भी यही हुआ। प्रभु राम व्याकुल हो गए, पीछे से हनुमान जी आए, उनको बताया ये हाल। तो हनुमान जी ने कहा कि प्रभु जिसका आप साथ छोड़ देंगे, राम नाम का सहारा नहीं होगा, वो इस भवसागर में डूब ही जाएगा। जिसका कल्याण होगा, आपने देखा होगा जब राम सेतु बन रहा था, हर एक पत्थर के ऊपर राम का नाम, जो भी राम सिमरन करेगा या ओम नमः शिवाय का जाप करेगा, भवसागर को पार करके स्वर्ग लोक की प्राप्ति होगी। जब प्रभु ने राम नाम लिख के उस पत्थर को समुद्र में डाला, वो पत्थर तैरता रहा। इस कथा के माध्यम से हमें ये सीखने को मिला, चाहे भगवान श्री राम हो या मनुष्य, राम नाम के बगैर गति नहीं है। जब हमारा अंत समय आता है तभी यही बोला जाता है, राम नाम सत्य है। इस संसार में राम का नाम ही सत्य है। तो चैन से जीना है तो आज भी और कल भी, जब मृत्यु आ
आए तो उम्र हो जाए तभी हमें मृत्यु आए, उससे पहले कोई भी संकट हमें छू ना सके, कोई बीमारी हमारा पीछा ना कर सके, उसके लिए प्रभु श्री राम का नाम जपिए, ओम नमः शिवाय का जाप जपिए और जीवन को अपने बदल दीजिए। ओम नमो नारायण।